चौपाटी पर हैं, जहां पर बाल गंगाधर तिलक जी का एक मूर्ति स्थापित की गई है। यहां पर 1942 के बाद से लगातार डॉक्टर जीजी पारेख जी के नेतृत्व में पहले 1942 का जो ग्रुप था वो यहां से अगस्त क्रांति मैदान जाता था, जहां से कॉल दिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन का, करो या मरो का गांधी जी ने जो आह्वान किया था उसके बारे में अब जानते हैं डॉक्टर जीजी पारेख जी से। क्या हुआ था जी जी 9 तारीख को? क्या वो उससे ज्यादा महत्व की चीज जो मुझको लगती है वो ये है कि देश के अंदर दो किस्म के लोग हैं। एक ये मानता है कि 9 अगस्त बहुत महत्व का है क्योंकि उस दिन क्रांति की शुरुआत हुई, और दूसरा ये मानता है कि 15 अगस्त महत्व का है क्योंकि उस दिन इंडिपेंडेंस मिला। हमारे जैसे समाजवादी 9 अगस्त बहुत महत्व देती है क्योंकि उस दिन क्रांति की शुरुआत हुई थी, और काफी साल से 50 साल से ज्यादा से हम लोग 9 अगस्त को सुबह 8 बजे से चौपाटी से अगस्त क्रांति मैदान तक एक साइलेंट मोर्चा निकालते हैं। ये परंपरा अभी तक चालू रही है और मुझे उम्मीद है कि हमारे जैसे लोग चले जाएंगे उसके बाद भी चालू रहेगी। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि आखिरी लड़ाई जो आजादी के आंदोलन की हुई वो 8 अगस्त के AICC के रेजोल्यूशन के बाद शुरुआत हुई। गांधी जी को ऐसा लगा था कि शायद उनको समय मिलेगा और फौरन नहीं पकड़े जाएंगे, लेकिन 9 अगस्त को तमाम नेता सुबह ही पकड़े लिए गए थे, और फिर भी 9 अगस्त को सुबह अगस्त क्रांति मैदान में हजारों यंगस्टर्स हाजिर थे, टीयर गैस फेंका गया, और उस दिन से लगातार कुछ महीनों तक बम्बई शहर के अंदर नीले बंद रही, हड़ताल हुई, लोग पकड़े गए, हजारों के हिसाब से पकड़े जाते थे और शाम को कुछ लोग छोड़े भी जाते थे। तो शुरुआत क्रांति की बम्बई शहर से हुई और वो दुनिया भर में, सॉरी हिंदुस्तान भर के अंदर फैली। कुछ ऐसा संकट हुआ कि जब ब्रिटिश सरकार की संस्कृत खत्म होगी, हिंदुस्तान के अंदर कुछ ऐसे जगह थे हल्के थे कि जहाँ पर आम जनता ने अपनी सरकार बनाई और ब्रिटिश सल्तनत की हुकूमत बिल्कुल खत्म हो गई वहाँ से, तो ये आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन बड़े काफ़ी हद तक नॉन वायलेंट या हिंसा को थोड़ी बहुत हिंसा की घटनाएं जो हुई, हजारों लोग शायद लाखों लोग पकड़े गए थे और काफ़ी लोग कम से कम 50,000 लोग मारे गए थे। ये आखिरी हिंदुस्तान की लड़ाई है और हमको उसे याद रखना चाहिए क्योंकि अगर हम अपने इतिहास को भूल जाते हैं तो काफी नुकसान होता है। जी जी जी, जो सपना था 1942 के सेनानियों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, वो तो पूरा हुआ, देश को आजादी तो मिली, अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, लेकिन आज जो चुनौतियां हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि जो सपना था वो सिर्फ आजादी का था ऐसा नहीं है। सत्ता किसके हाथ में जाएगी इसका बहुत ही महत्व था। 8 अगस्त के रेजोल्यूशन के अंदर ये कहा गया था कि पावर या सत्ता जो काम करते फैक्ट्री में या जो काम करते गांव में खेती में उनके हाथ में जाएगी। वो आज़ादी मिलने के बाद अभी तक नहीं हुआ वो एक थी, लेकिन कुछ चीज़ें हुई थी। हिंदुस्तान के अंदर जो रहता है वो हिंदुस्तानी इस किस्म की व्याख्या आज़ादी के आंदोलन में गांधी जी की वजह से मंजूर हुई थी, अनफॉर्चुनेटली उसको हम साकार नहीं कर पाए, और पिछले 4 साल से जो रहा है उसे ऐसा लगता है कि जो आज़ादी के आंदोलन में हमने देखा था, सोचा था, माना था, उनको छोड़ करके एक विपरीत दिशा के अंदर जा रहे, और ये शोकांतिका है। हम कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी वजह से हम इसको बदल पाए। आज के 9 अगस्त के दिन महत्व इस चीज का है कि हम कुछ करें जिसकी वजह से जो हो रहा है उसको हम बदल दें, रोक दें।